सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन जरूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक लर में। आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप अपने नाम से जाने जीवन में मकान और वाहन कब होगा। सबसे पहले मैंने एक उदाहरण लिया है रोहित कुमार। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में मेरे देखा है कि हर एक अल्फाबेट का या हर एक अक्षर का अपना एक नंबर होता है, तो उस नंबर को हम ठीक इसके नीचे लिखते हैं। लिखने के बाद उस डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको जोड़ेंगे और आगे किस उम्र में आपको मकान और वाहन मिलेगा उसका पता करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं आर, यानी कि 18, ओ यानी कि 15, एच यानी कि 8, आई यानी कि 9, टी यानी कि 20, के यानी कि 2 यानी 11, यू 21, एम 14, ए 1, आर 18। अब इसमें सबको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 18 का 8 और 1, 9, 5 और 1, 6, 8 का 8, 9 का 9, 20 का 2, के का 2, यू का 3, एम का 4 और 1, 5, ए का 1, 18 का 8 और 1, 9। अब इसमें ये जो सिंगल नंबर आए हैं उसको जोड़ देना है। तो 9 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 2 इज इक्वल टू, और इधर 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 9 टोटल आता है ऊपर वाले का 34, 34, और नीचे वाले का 9 और 1, 10, 5, 15, 15 और 5, 20। और इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो आता है 4, 3 और 2, 5, 54। फिर 54 को जब हम जोड़ते हैं, 4 और 5 इज इक्वल टू 9, 9 नंबर आता है। तो 9 नंबर के हिसाब से अगर देखें तो ये अंक निकल के आता है मंगल का। मंगल का अगर अंक निकल के आता है तो ये डेफिनेट हो जाता है कि आपको मकान तो पक्का मिलेगा, क्योंकि मंगल और सूर्य जिनका स्ट्रांग होता है उन लोगों को मकान अवश्य ही मिलता है। इसके अलावा अगर यहां पर केतु आता या राहु आता तो ऐसी स्थिति में मकान बनने के योग बनने के बाद भी ऐसे लोगों को बहुत सारी रुकावटें आती हैं। उसके अलावा अगर 9 आए या 1 आए या 6 आए, 8 भी आए, तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा प्रबल चांसेस होते हैं 9 और 1 में। उसके बाद प्रबल चांसेस होते हैं 6 में। 9 1 सबसे ज्यादा प्रबल इस वजह से है क्योंकि मकान, भूमि, भवन, इसका कारक मंगल होता है
और सूर्य तो वैसे ही हर कारक में, मतलब जितने भी कारक ग्रह हैं उसका स्वामी है। हर एक ग्रह को सूर्य द्वारा ही एनर्जी मिलती है। तो सूर्य मजबूती के साथ साथ मंगल अगर मजबूत है तो ऐसे लोगों को भूमि भवन अवश्य मिलता है। तो यह टोटल आ गया है 9। तो रोहित कुमार नाम के इंसान को अवश्य ही मकान और वाहन मिलेगा। अब उस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए मैं आपको यहाँ पे लिख के समझाता हूँ। आपके मकान का समय, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनके पास मकान सबसे पहले बने, क्योंकि मकान जो है हर किसी का एक बेसिक नीड होता है। तो इसके लिए सबसे पहले 9 को लिखेंगे जो यहां पर आया है। उसके बाद रोहित का जो नाम है इसमें से चौथा अल्फाबेट, मतलब R O H I का नंबर आया है 9। तो इस 9 के साथ एक और 9 ऐड करेंगे। उसके बाद पहला अक्षर, नाम का पहला अक्षर और नाम का आखिरी अक्षर, इन दोनों का जो नंबर है उसको ऐड करेंगे, +9, फिर इसका भी +9, टोटल आ जाता है 9 + 9 + 9 + 9, मतलब 9 × 36, 36। यानी आपके जीवन में मकान बनने का सही वर्ष या उम्र जो है वो 36वें वर्ष में जाकर होगा। यानी रोहित कुमार नाम के व्यक्ति का, उनके जीवन में मकान बनने का सही उम्र जो है 36वें साल में जाकर इनके मकान बनने के आसार होते हैं। अब वाहन की जो बात करें, वाहन 2-व्हीलर भी होता है, 4-व्हीलर भी होता है। तो अगर 2-व्हीलर की बात करते हैं, क्योंकि वो प्राथमिक वाहनों में आता है, तो उसके लिए हम लेंगे पहला 9 प्लस जो कि यहां पे आया है, दूसरा नंबर 6 प्लस पहला नंबर यानी R जो पहला नंबर था उसका आया था 9 प्लस आखिरी नंबर 9, यानी कि 34वें वर्ष में खुद के पैसे का 2-व्हीलर ये रोहित नाम का व्यक्ति, ये अपने मेहनत की कमाई का 2-व्हीलर लेगा। 4-व्हीलर की अगर बात करें, क्योंकि पहला जो हर एक व्यक्ति का पहला चॉइस अगर होता है, मतलब अगर वो मिडिल क्लास है तो उसका पहला चॉइस एक 2-व्हीलर लेना होता है, उसके बाद अपना घर। तो 2-व्हीलर 34वें वर्ष में ये रोहित नाम के व्यक्ति जो वो लेंगे और 36वें वर्ष में उनको अपना मकान मिल जाएगा। 4-व्हीलर की अगर बात करें तो वापस इसमें जो 9 के ऊपर ये जो सबका टोटल आया है 9, इसके साथ पहला अक्षर, आखिरी अक्षर, जो आखिरी अक्षर का 9 है वो, प्लस इनका जो चौथे नंबर का, क्योंकि भूमि और भवन और वाहन, मकान और वाहन ये कुंडली में भी चौथे भाव से देखते हैं, तो नाम में भी चौथे नंबर का आई जो है उसी को लेंगे, +9, यानी कि 36 वर्ष, यानी कि इनको 36वें वर्ष में मकान और वाहन दोनों की संभावना रहती है 36वें साल के बाद। ऐसा भी हो सकता है कि ये पहले मकान बना ले फिर अपना वाहन ले, या वाहन लेने के बाद मकान बनाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि 36वें वर्ष में जाकर रोहित जी को अपना खुद का मकान मिल जाए। तो आप भी देखिए कि आपके नाम के हिसाब से किस वर्ष में, किस आयु में आपको अपना मकान मिलेगा, अपने नाम के जो नाम का जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर बताया उसको
इस तरह से करके। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन दबाएं और साथ में ऑल का बटन दबाएं ताकि मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाएँ। मेरे ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।